पीपल्स न्यूज और मैं हूँ प्रतिमा शाह। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोझा विधानसभा उपचुनाव को लेकर शहर के आरडीएस कॉलेज परिसर में बने मतगणना केंद्र में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कर दी गई है। सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू किया गया है। अब देखना है कि इस त्रिकोणीय चुनाव में किसका भाग्य खुलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि चुनावी मैदान में तो 13 प्रत्याशी उतरे थे, लेकिन बाद में 2 प्रत्याशियों ने वीआईपी पार्टी को समर्थन दे दिया। उसके बाद 11 प्रत्याशी मैदान में खड़े रहे। जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। तमाम मतगणना कर्मियों को उनके ड्यूटी के अनुसार उनके टेबल पर लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। आपको बता दें कि बोझा क्षेत्र के लिए बोझा में कुल 350 मतदान केंद्र पर मतदान हुए थे। विधानसभा में भी उपचुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल पर 25 राउंड में वोटों की गिनती हो रही है। बोझा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी लगातार मजबूत बढ़त बनाए हुए है। सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग जारी है। पहले राउंड में अमर पासवान पिछड़ गए थे, लेकिन उसके बाद से सभी राउंड में उनकी बढ़त बरकरार है। ताजा रुझान में बीजेपी की बेबी कुमारी दूसरे नंबर पर है, वीआईपी की गीता कुमारी तीसरे नंबर पर। इस सीट पर आरजेडी के अमर पासवान और बीजेपी के बेबी कुमारी के बीच सीधा मुकाबला है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस न्यूज़। धन्यवाद।